नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम सीखेंगे बहुत ही लाभदायक और उपयोगी एक योगासन जिसे हम शीर्षासन या फिर हेड स्टैंड के नाम से जानते हैं, इसे हम सीखेंगे। सबसे पहले मैं इसे करके आपको दिखाऊंगा और आपको बिल्कुल अभी ये ट्राई नहीं करना है, और अंत में बताऊंगा कि आपको कैसे इसे ट्राई करना चाहिए। यकीन मानिए ये बहुत ही लाभप्रद एक्सरसाइज है, मुझे इससे बहुत बेनिफिट हुआ है और मैं चाहूंगा कि आप इसे जरूर सीखें। देखिए, मैं सबसे पहले क्या करता हूं, ये वार्म अप करता हूं, क्योंकि जो हमारा नेक है ये बॉडी का सबसे सॉफ्ट पार्ट है, वन ऑफ द सॉफ्ट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी एंड सेंसिटिव भी है। तो पहले इसका जो है वार्म अप जरूरी है, क्योंकि वार्म अप के बिना तो हमें एक्सरसाइज भी नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट वी शुड नॉट रन फास्ट ऑन रोड, पक्का चीजों पे हमें नहीं दौड़ना चाहिए, पक्की चीजों पर, घास पर, मैट पर वुड बी फार बेटर फॉर यू। एंड पहले जॉगिंग करना चाहिए, वॉक, जॉग, रन एंड देन स्प्रिंट यू कैन डू। ऑलराइट, तो ये मैं सबसे पहले कर लेता हूं, चूंकि ये मेरे नेक को ना थोड़ा सा कंफर्टेबल, प्रेशर नहीं लेना है आपको, इससे हो जाता है। रोज मैं ये चीज करता हूं एक्सरसाइज से पहले। वेरी नाइस। शीर्षासन, जैसा कि आप जानते हैं, ये इसलिए भी और अच्छी और शानदार चीज है क्योंकि जो ब्लड सर्कुलेशन है ये जाता तो हर जगह है, हमारे दिमाग तक और सर गर्दन से ऊपर बहुत अच्छे से नहीं जाता है। तो जब हम ये एक्सरसाइज करते हैं शीर्षासन, तो ब्लड सर्कुलेशन जो होता है ये होता है हमारे सर तक। वेरी नाइस। इससे बालों को बहुत फायदा होता है। मैं जब से कर रहा हूं, बाल नए तो नहीं आए, लेकिन ये जो हेयर फॉलिंग था ना ये कम हुए हैं। हाँ, मैं इस चीज को मानता हूं और मैं बहुत ज्यादा दिनों से कर भी नहीं रहा हूं, 2-4 साल 5 साल करेंगे तभी बेनिफिट इसका होगा। वेरी नाइस। दूसरा, आंखों पर चश्मा नहीं लगेगा आपको। तीसरा, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर जब होगा, तो ऐसा बताया जाता है, क्योंकि मैंने इस चीज को एक्सपीरियंस नहीं किया, लेकिन करने में क्या जाता है, गलत चीज तो यह है नहीं, बताया जाता है कि झुर्रियां, चेहरों पर रिंकल्स अननेसेसरली समय से पहले नहीं आते हैं, उस पर आपको ये कंट्रोल करेगा। चेहरे पर बताया जाता है कि ग्लो भी आता है। चलिए मान ले कि ये बात झूठ है, तो करने में क्या जाता है दोस्तों, करते हैं, ये अच्छी चीज है। और मैं अभी इसे 2 से 3 मिनट तक कर लेता हूं, अच्छे से कर लेता हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये शीर्षासन के जो होते हैं ये बेनिफिट्स होते हैं, और यकीन मानिए ब्रेन के लिए, सर के लिए ये एकमात्र एक्सरसाइज है। बिल्कुल गर्दन को स्ट्रेट रखना होता है, ये भी बताऊंगा अंत में कि किस पार्ट पे आपको इसे रखना होता है। वेरी नाइस। तो जब आप ऐसा करेंगे तो पूरा जो ब्लड का सर्कुलेशन होगा ये आपका जो होगा प्रॉपर हो जाएगा, और थोड़ी देर के लिए ये ज्यादा बेटर आपको बनाएगा। देखिए, जो लोग बहुत मोटे हैं, जिनका कंट्रोल नहीं हो रहा, वो डायरेक्ट ना करें इसे, जब तक कि आपका वेट कंट्रोल ना हो, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, किसी भी चीज की प्रॉब्लम है पहले से, तो प्लीज आप इसे ना करें। इसके लिए तरीका है और क्या है ये मैं अभी आपको बता देता हूं। वैसे जब से मैंने इसे किया है मुझे बहुत बेनिफिट हुआ है। अब मैं इसे नीचे कर लेता हूं और आपको बता दो, देखिए नीचे करने के बाद आराम से प्रॉपर इसे रखेंगे, आप लेट जाइए, मैं उठ सकता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लेटेंगे ना तो आपको जैसे कि अचानक से एक प्रॉब्लम हो जाती है, चक्कर आना, यू फील गिरीनेस, वो आपको नहीं होगा। कुछ देर के लिए आप लेट जाए प्रॉपर, तो ये बहुत ही ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। वैसे मैं अगर उठ भी जाता तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन आपको लेट जाना है। वेरी नाइस। ये तो मैंने किया शीर्षासन, अब आपको कैसे करना है, अब मैं बताता हूं अपनी जर्नी। जब मैंने शुरुआत में सीखने की कोशिश करी थी तो मुझे कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। राजेश माथुर, ये एक फिटनेस ट्रेनर है, मेरे फ्रेंड भी हैं, स्टूडेंट भी हैं, और वो मुझे कभी बेसिक की 2-4 क्लास उन्होंने मुझे दिया भी था, मैंने उनसे किया है। तो वो मेरा पैर, मैं आपको दिखाता हूं कैसे वो उठाते थे। कैन यू कम हियर छोटू। ऑलराइट। तो जो शुरुआती मैंने किया था वो बहुत मुश्किल था, और वो क्या करते थे कि जो मेरा पैर है ना इसको उठा के दीवार में लगाते थे, और मुझे ऐसा लगता था कि मेरी पूरी दुनिया ही घूम गई, और मैं वो कर ही नहीं पा रहा था, बिल्कुल भी नहीं कर पा रहा था। आज से, हाँ आप कह सकते हैं 2-2.5 महीने पहले जब मैंने इस चीज को शुरू किया था तो मुझसे बिल्कुल नहीं होता था।
अच्छा ये अचानक नहीं करना होता है. व्हाट यू विल डू इज, जैसे राजेश जी मेरा ये काम करते थे, पैर पकड़ के ऊपर उठाते थे, फिर बाद में जब मैं घर पे आया बहुत एक्साइटेड होकर अपनी वाइफ को बताया कि वाओ मैंने शीर्षासन थोड़े से सीखे, तो उन्होंने 2 सेकंड में करके दिखा दिया, तो मेरी इंसल्ट हो गई कि मैंने इतना मुश्किल से सीख रहा हूं, नो एप्रिशिएशन इज देयर. तो अगर आपको आता है तब तो ये इट विल बी लाइक अ कप ऑफ टी, और नहीं आता है तो सीखिए मेरे साथ. अब देखिए फिर वो भी मेरा यहां पर, तो वो मैंने क्या किया, सबसे पहले ऐसे पकड़ा, मेरा पैर पकड़ के आप ऊपर करेंगे इसे, जो मेरे मैं किया करता था शुरुआत में, और आपको भी यही चीज करना है, दीवार के सहारे मेरा पैर पकड़िए ऊपर कीजिए जैसे पहली बार किया था ऐसा, और मैं काफी ज्यादा डर गया था. आप पकड़े रहिएगा प्लीज, वेरी नाइस, दीवार में सटा दीजिए, वेरी नाइस. अब मुझे ये डर लगता था कि कहीं मैं गिर ना जाऊं, पैर छोड़ दीजिए, और मैं कई बार ऐसे उतर ऐसे गिर जाता था. आपके साथ भी ये हो सकता है अगर आप अचानक से करेंगे तो. अब सवाल ये है कि सही तरीका क्या है. देखिए सही तरीका, सबसे पहले आपको क्या करना है, गर्दन का एक्सरसाइज करना है, हाथ का भी कर लीजिए थोड़ा सा, वेरी नाइस, यू ब्रिंग दैट हियर एंड डू इट. अब देखिए इसमें क्या है कि मैं अब जैसे कि यहां पे कर रहा हूं, तो सबसे पहले आपको इसमें क्या करना होगा, अब आपको दीवार की सहायता लेनी होगी. जैसे कि मैं दिखा रहा हूं जो मैंने किया था शुरुआत में, वो इसने मेरा पैर पकड़ के ऊपर किया था, फिर धीरे धीरे करने की, प्रॉपर है ना कैमरा फोकसिंग, वेरी नाइस. तो मैं इसे करने की क्या करता था, कोशिश करता था. अब जैसे कि शुरुआत में आप करेंगे तो पहले आप दीवार का सहायता लेंगे, दीवार की आप सहायता लेंगे. और दूसरी चीज, ये सर का ना एक जो पार्ट होता है, जो गलतियां होती हैं हम लोगों से ज्यादातर, वो हम यहां पे डाल देते हैं, टेढ़ा हो जाएगा तो इसके टूटने के चांसेस भी ज्यादा है. आप यहां कीजिए, ये दिख रहा है ना आपको, यहां कीजिए, वेरी नाइस, ये दिख रहा है ना, यहां नहीं करना है, यहां करना है, प्रॉपर हाथ को बैंड करना है और फिर ये चीज करना है. मैं यहां आपको दिखाता हूं, छोड़ो, जस्ट गेट रेडी, ऑलराइट. अब ये जो है प्रॉपर हो जाइए आप, हाँ प्रॉपर हो जाइए, वेरी नाइस. अब शुरुआत में जैसे कि आप किसी को बोलेंगे वो आपकी मदद नहीं कर सकते हैं, और धीरे धीरे पैर को ऊपर कीजिए, कीजिए ऊपर, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, ऐसे, राइट. आप चाहें तो दीवार की सहायता ले ही लीजिए शुरुआत में, ऐसे, राइट, ऐसे आप ले लीजिए. आप शुरुआत में अगर आप 30 सेकेंड भी कर पाते हैं, 10 सेकेंड भी कर पाते हैं, तो इट विल बी अ ग्रेट 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 अचीवमेंट. आप अकेले मत कीजिएगा गर्दन पे. दूसरी बात, पेट हमेशा आपका खाली रहना चाहिए, ये पेट भरा हुआ है, पानी इनफैक्ट आपने पी लिया तो ये नीचे चला जाएगा, दिक्कत हो जाएगी फिर. तो बिल्कुल पेट सुबह करें खाली होना चाहिए. मैंने कई गलतियां करी है, मुझे 2 बार इसमें स्ट्रेन आ चुका है और मुझे बहुत दिक्कत हुई थी, तो मैं आपसे ये चीज कहना चाहूंगा कि बेवजह इसे ना करें, राइट, प्रॉपर आप इसे करें. फिर मैं ऐसे इसको क्या करता हूं, थोड़ी देर के लिए मैं इसे होल्ड करके रखता हूं. दीवार सबसे अच्छा सहारा आपके लिए रहेगा, जिससे कि आप इसे कर सकते हैं. अभी ये सीख रहा है धीरे 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 धीरे, 10 सेकंड के लिए ये कर लेता है बाहर फील्ड में मेरे साथ, तो ये भी कर लेता है जैसे कि मैंने आपसे कहा. और बहुत ही अच्छी चीज ये होगी, आप डायरेक्ट इसे मत कीजिएगा प्लीज, वो आपको बहुत नुकसानदेह होगा, गर्दन के लिए भी, सर के लिए भी, इसके लिए. अब मैं नीचे कर देता हूं चूंकि ज्यादा इन्हें आदत नहीं होगी. आप भी ऐसे ही कर सकते हैं, वरना आपको क्या हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी. वहां पर लेट जाइए आप, वहां लेट जाइए, लेट जाओ, वेरी नाइस, वहां गो देयर, वेरी नाइस, लेटे रहिए कुछ देर. डायरेक्ट आपको उठना नहीं है, वरना चक्कर भी आपको आ सकती है और फिर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा. अब देखिए जो मैं करता था शुरुआत में, वो जैसे कि उन्होंने तो 1-2 दिन बता दिया, घर पे भी मेरी मदद की गई है. अब मैं क्या करता हूं, इसको ऐसे कर लेता था. अब जैसे कि कई बार जो दिक्कत मेरे साथ आई, जरा हट जाना. अब जैसे कि आप अकेले में करेंगे, फील्ड में करेंगे, तो प्रॉब्लम ये आएगी कि आप गिर जाएंगे, और गिरेंगे ना जब, तो हड्डी भी टूटने के चांसेस हैं. अब देखिए ये जब आप ऐसे करेंगे, जब मैं करता हूं ऐसे, तो कई बार ऐसे हो जाता है, फिर देखिए ऐसे ऐसे हो जाएगा आपको प्रॉपर, जैसे कि मैंने किया कई बार तो गिर गया. अब मुझे चूंकि एक्सपीरियंस है तो मैं इस पे गिरता हूं, गिरे ना तो मेरा कुछ नहीं होगा. आपको अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो ये गर्दन टूट जाएंगी, तो ये गलती नहीं करना. इसीलिए आपको करना है दीवार के साथ. देखिए ये दीवार है, आप भी कीजिए और कोशिश, और नजदीक हो जाइए और
जैसे कि ऐसे कीजिए, ऐसे, वेरी नाइस, वेरी नाइस। ये आपको थोड़ी देर करते रहना है और ध्यान रहे कहां मैंने आपको बोला बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए ये चीज। धीरे धीरे गिरी ना, वेरी नाइस। इससे क्या होगा, बहुत बेनिफिट होगा आपको, हाथों में ताकत होगी और फिर आप धीरे 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 दीवार से इसको हटा के कीजिए। 10 दिन के बाद, 10 दिन तो ये चट फट और फटाफट ये नहीं होने वाला है, आपको टाइम देना होगा दोस्तों। इसके लिए आप चाहते हैं कि 2-4 दिन में मैगी नूडल्स की तरह सीख लो तो मत सीखिए इसे, लाइफ टाइम सोचकर चलिए आप इसे। बहुत बेनिफिशियल है सबके लिए, स्त्री पुरुष, बॉयज गर्ल्स, 10 साल से बच्चे ऊपर है उन्हें भी आप करवा सकते हैं ये चीज धीरे धीरे। देख लीजिए, अब दिक्कत हो रही है तो इसको टच कर दीजिए, नहीं हो रही है तो धीरे धीरे 1 महीने आप करेंगे तो इससे आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होगा। और धीरे धीरे इसको नीचे कीजिए और आप आराम कर लीजिए, आप आराम कर लीजिए। तो ये एक बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज है, मुझे बेनिफिट हुआ है और मैं चाहूंगा कि आप भी इसे करें, आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इसे देखने के लिए। ये वीडियो कैसा लगा और क्या सीखने को मिला ये कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आपको पसंद आता है तो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए, और वो आपके मन की बात है, अच्छा लगे तो, नहीं तो कोई बात नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जय हिंद, जय भारत, स्टे हैप्पी एंड बी द बेस्ट।